आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश बुक का यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर टॉप्सी टर्वी लैंड कवर करेंगे। टॉप्सी टर्वी मतलब उल्टा फुल्टा, अपसाइड डाउन। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। जो लोग हैं वो अपने सिर के बल चलते हैं, जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में लोग पैरों से चलते हैं, उस लैंड में लोग सिर से चलते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड। जो सी है वो सैंड से बना है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। हमारे लैंड में लोग चिल्ड्रन हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं, वहाँ पर बच्चे रात को स्कूल जाते हैं इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। जो फ्रंट डोर है वो बैक पे है, पीछे है। योर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। वहाँ पर अगर आप खड़े हो तो फिर लोग समझेंगे कि आप चल रहे हो। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट। जो आप अपनी हैट है उसे अपने पैरों में पहनते हैं इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में एंड बसेस ऑन द सी यू बीट। आप सी में बसेस को देखोगे जो चल रही है। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड। जो प्लेजर बोट्स मतलब जो बोट आपको चलाना पसंद है, अपने मन से चलाते हैं, वो आपको स्ट्रीट्स पर मिलेगी। टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड। आपको ट्रैवल करने के लिए स्ट्रीट्स पे बोट्स पर जाना पड़ेगा। यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट। आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं जो आप कभी नहीं खरीदते। आई थिंक इट मस्ट बी अ ग्रैंड। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक। जब आप जा रहे हो मतलब तब आप वापस आ रहे हो इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में ये पोइम रिटन है एच ई विल्किंसन के द्वारा। न्यू वर्ड्स टॉप्सी टर्वी, अपसाइड डाउन, प्लेजर, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, ग्रैंड, बिग, ग्रेट फन। एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। When do children go to school in topsy-turvy land? Topsy-turvy land में बच्चे स्कूल किस टाइम जाते हैं? In topsy-turvy land, children go to school at night. Topsy-turvy land में बच्चे रात को स्कूल जाते हैं। In the poem, if buses travel in the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? इस poem में buses sea में travel करती हैं, तो फिर boats कहाँ पर करती हैं, पर उन्हें कहाँ पर होना चाहिए? In the poem, boats travel on the streets, they should travel in the sea. The land of topsy-turvy is very different from our land. Let's draw a competition by filling in sentences wherever needed. जो topsy-turvy land है वो हमारे land से बहुत अलग है, तो फिर अब हम उन दोनों के बीच में differentiate करते हैं table से। Topsy-turvy land, people walk on their heads. Our land, people walk on their feet. Topsy-turvy, the buses run on the sea. Our land, the buses run on land. Topsy-turvy, they wear their hats on feet. Our land, they wear their hats on their heads. Topsy-turvy, boats travel in streets. Our land, boats sail in the sea. Topsy-turvy, people pay for what they don't get. Our land, people pay for what they get. The words in the sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentences. Words that begin with capital letter are the first word of the sentences. यहाँ पर कुछ words हैं जो sentences हैं पर वो jumbled हैं। उन्हें rearrange करके एक meaningful sentence बनाना है जो letter capital लिखा हुआ है, जिसका first letter capital है, वो उस sentence का first word है। First, Renu Naughty is a girl. Renu is a naughty girl. Renu एक शरारती लड़की है। Second, untidy room her always is. Her room is always untidy. उसका room हमेशा बिखरा हुआ रहता है। Third, mother her advises her to clean it. Her mother advises her to clean it. Fourth, never listens she her mother to. She never listens to her mother. Fifth, kind of what children you are. Answer, what kind of a children you are, या फिर are you. Fifth, can you tell some things that go topsy-turvy at home and there is disorder? आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो जो आपके घर में उल्टी सीधी जाती है और उसमें कोई order नहीं होता। The things that go topsy-turvy at home are,
The newspaper are not arranged date-wise. You have to ransack the whole pile to find the newspaper you need. आपके घर में जहाँ पर newspapers रखे होते हैं वो date-wise अरेंज नहीं होते, जिससे आपको सारे newspapers उठा उठा के देखने पड़ते हैं उस newspaper को ढूंढने के लिए जो आपको चाहिए होता है. The keys are not in their proper place and you look for them everywhere. जो कीज़ होती हैं, चाबियाँ होती हैं, वो प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखी होती, जिसके लिए आपको सारी जगह पर उन्हें ढूंढना पड़ता है. One shoe is lying under the bed and the other is in the shoe rack. You go crazy looking for the one. आपका एक शूज़ बेड के अंडर है, मतलब बेड के नीचे है, और एक शू रैक में है. आप दूसरे शू को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करते हो पर आपको नहीं मिलता. You don't arrange your books and notebooks. You don't find them when it is time to go to school. आप अपनी नोटबुक्स और बुक्स को अरेंज करके नहीं रखते, जिससे आपको स्कूल जाते टाइम लेट हो जाते हो अपनी बुक्स को फाइंड करने के लिए. राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन. यहाँ पर 5 थिंग्स लिखनी है जो आप करते हो अपने अपने होम को, अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए. आंसर, कीप द बेड शीट एंड कवर्स प्रॉपरली फोल्डेड एंड टक्ड अवे. जो बेडशीट और कवर्स होती हैं उनको प्रॉपरली फोल्डेड और टक्ड रखते हो, दबा के रखते हैं. कीप थिंग्स प्रॉपरली अरेंज्ड ऑन शेल्फ्स. चीज़ों को अरेंज करते हैं शेल्फ्स में प्रॉपर तरीके से. शूजेज़ आर कैप्ट इन द शू रैक्स प्रॉपरली. जो शूज़ है वो शू रैक में प्रॉपरली अरेंज करके रखे जाते हैं पेयर्स में. ऑल्सो टॉयलेट्स आर प्रॉपरली क्लीन्ड. टॉयलेट्स को प्रॉपरली क्लीन किया जाता है. चेयर्स एंड सोफ़ाज आर प्रॉपरली वेल अरेंज्ड. जो चेयर्स और सोफ़ाज हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं. लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो. आपको एक टॉपसी टर्वी सीन इमेजिन करना है और उनको उन लाइन्स में लिखना है. इन द डे टाइम इन द टॉपसी टर्वी लैंड पीपल वर फास्ट असलीप. डे के टाइम में टॉपसी टर्वी लैंड में लोग सुबह सो जाते हैं. एज सून एज द सनसेट एवरीवन गॉट अप. जब सनसेट हो जाता है, सूरज डूब जाता है, जब सब लोग उठते हैं. चिल्ड्रन हैड देयर बाथ. बच्चे नहाते हैं. ग्रैंडफादर प्रिपेयर देयर ब्रेकफास्ट. ग्रैंडफादर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं. टीचर केम इन द प्लेग्राउंड. टीचर प्लेग्राउंड में आती है. All the bazaar opened. सारा बाजार खुल जाता है. People bought goods but did not pay for them. लोग goods खरीदते हैं पर उनके लिए पैसे नहीं देते. Two stories got mixed up. Sort them out and write them at the appropriate boxes. यहाँ पर two stories mix हो गई हैं. The magic kite और who did the lion eat. इनको हमें sentences में एक साथ लिखना है. We thought the lion had eaten someone. हमें लगा कि lion ने किसी को खा लिया है. Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the tree tops. अचानक से kite ने उसको उठा लिया ground से और उसे tree tops, trees के ऊपर ले गई. He saw a shoe in the lion's cage. उसे एक shoe दिखा lion के cage में. Finally the kite brought him back to the park. Finally वो kite उसे वापस park में ले आई. Our class had gone to the zoo. हमारी क्लास जू गई है, गई थी. Puran was fly the brand was flying the brand new kite in the park. Puran अपनी brand new kite, मतलब बहुत नई kite park में उड़ा रहा था. Some children students screamed and some ran to the director of the zoo. कुछ बच्चे खड़े हुए और चिल्लाने लगे और कुछ zoo के director के पास चले गए. Puran was frightened and excited. पूरन एक बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड था, बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था और एक्साइटेड था. द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लायन्स टॉयज. उस लायन ने किसी को नहीं खाया था पर जो शू था वो लायन का एक टॉय था. पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क. सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स. पूरन फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड. Finally, the kite brought him back to the park. Who did the lion eat? Our class had gone to the zoo. We saw a shoe in the lion's cage. We thought the lion had eaten someone. Some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toy.
तो ये था हमारा चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.